पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उसमें मंजुलिका नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। कई सदियों से यही परंपरा चली आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव के एक घर में रामू नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे। पिता के मरने के बाद रामू ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन जितना भी अनाज वह मेहनत करके उगाता था उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन रामू ने अपनी मां से कहा, अम्मा, ऐसे तो हम कभी चैन से रह नहीं पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूं। रामू की मां ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रामू ने मां की बात को बीच में काट कर पूछा, लेकिन मां, कोई तो रास्ता होगा इस सबसे बाहर निकलने का। रामू की मां बोली, बेटा, मेरी बात मान, जैसा चल रहा है चलने दे। रामू उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। रामू अगले दिन से अपने खेत पर काम करने जाने लगा, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी में लगा हुआ था। दोपहर को रामू एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। वहीं उसके बराबर के खेत के पप्पू चाचा भी खाना खा रहे थे। पप्पू चाचा से रामू ने अपने मन की बात कही। रामू की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी, आप कोई तरीका बताओ। तब पप्पू चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वह उसे मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे मिलो, उसका नाम राकेश है। वह पास ही के एक गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से मिलता नहीं है। लेकिन क्यों चाचा? बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए ना भेजा हो। रामू ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया। वहां वह राकेश के घर पहुंचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद राकेश ने रामू से बात की। मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसका गला दबाया, जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में रख रखे हैं। लेकिन ऐसा क्यों चाचा? बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता, इसलिए उसने उस तोते को पाल रखा है, उसे जादू से जवान बना रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण हैं, इसलिए वह भी जवान बनी रहती है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। रामू राकेश से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी सो रही है और उसके पास ही मेज पर एक पिंजरा था जिसमें वह तोता था। तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर रामू उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं। मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। कोई तो रास्ता होगा। अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आजाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी। उसकी जान जाते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर दो जान हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ न हो? तुम किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। रामू सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। अगली रात वह जाकर देखता है जादूगरनी सो रही है।
वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है, उन्हें जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन रामू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह मर जाती है। यह सब रामू बाहर से देख रहा था। जादूगरनी के मरते ही वह खिड़की खोलकर अंदर जाता है और पिंजरे को बाहर ले आता है। कुछ ही देर में तोता जिंदा हो जाता है। इस तरह रामू की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों को जादूगरनी से छुट्टी मिल जाती है।